महिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित 15 लोगों पर अपराध पंजीबद्ध। कोरबा जिले के दीपका नगर पालिका की कांग्रेस महिला अध्यक्ष सहित 15 लोगों पर वन रक्षक कर्मी कुमारी उर्मिला देवी की शिकायत पर आईपीसी की धारा के तहत दीपका थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि दीपका सर्किल अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 ज्योति नगर में 13 जून को सुबह 6 बजे वन भूमि पर नगर पालिका निगम की जेसीबी द्वारा अवैध उत्खनन कर प्लांटिंग का रूप दिया जा रहा था, जिसकी सूचना पर वन रक्षक उर्मिला देवी मौके पर पहुंची थी, जहां अवैध रूप से जंगल की जमीन पर उत्खनन कर रहे जेसीबी के चालक से सवाल जवाब किया गया। इस दौरान जेसीबी चालक बिना जवाब दिए जेसीबी लेकर भाग खड़ा हुआ। वनकर्मी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि थोड़ी देर बाद नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान उत्तम दुबे सहित अन्य 10 से 15 लोग वहां पहुंचे और क्रोधपूर्वक उसे जेसीबी को कार्य करने पर रोका गया, जान से मारने की धमकी दी गई। झूठा केस बनाकर महिला वन रक्षक का ट्रांसफर करवाने की धमकी देने लगे। घटना के बाद महिला वन कर्मी ने अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श कर मामले की शिकायत दीपका थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान उत्तम दुबे व संतोष सिंह सहित 10 से 15 लोगों के विरुद्ध धारा 186, 506, 34 भादवी की तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दिया है। वहीं मामला दर्ज के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के कुछ समर्थकों ने दीपका थाना का घेराव कर दिया और थाने में दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन रक्षक के समर्थन में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के समर्थक भी थाने में पहुंच चुके। आपको बता दें कि दीपका नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बाढ़ सी आ गई है और लोग ऊंचे पहुँच का हवाला देकर धड़ल्ले से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। मामलों की गंभीरता आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिसके ऊपर इस प्रकार के अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी है, वे खुद नगर पालिका परिषद दीपका के अध्यक्ष का नाम इसमें शामिल सा दिख रहा है। ऐसे में क्षेत्र की सरकारी जमीनों का क्या हाल होगा? जंगल झावर के जंगल है, पूरा ये ज्योति नगर के गूगल ज्योति के खेल है। कलेक्टर नगर नहीं देती, पटवारी नगर देती, तहसील नगर दे देती, डीएम नगर देती, अभी मोदी नगर दे दे, हम खुश सन। अब ये आए ले है बाहर के और बेच बेच के खाते तो हम बोला नहीं दे, हम हावर के मन हम ले लेबो और किसनों करी तो हम नहीं छोड़म जंगल झाड़ी। हावर रही तो जीवो, हमारे गाँव के जमीन है, हमारे गाँव के सब जाए थे और पूरा होटल ही तरह खोजे जाही और काकर बेटा एक आवा देवा फांस खाई पूरा तय गांव और खुरी तक खुलने वाला नहीं है। कुए के रहो तो हाँ हवा पानी नहीं रही तो कहाँ से कहाँ जीवो, जंगल झाड़ी आदिवासी नूनवासी के खवैया, जंगल झाड़ी के रहैया नूनवासी के खवैया हम नहीं दे कोई देवे नहीं करे किसी का रिता नहीं दे। हाँ वन विभाग की मैडम उर्मी मैडम के सपोर्ट में हम सारे गाँव वाले आए हैं क्योंकि वो हमारे ही गांव के जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे नेतागिरी कर रहे हैं और यहाँ नेतागिरी कारण उनको धमकाया चमकाया भी जा रहा है जान से मारने की। तो भाई जंगल बचा रही है तो वो अपना फर्ज निभा रही है, अगर जंगल बचा रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है, अगर सही है तो हम उसका साथ देने आए हैं। हमारा ही गाँव का जंगल है, जमीन है, उसको बचाना हमारा फर्ज बनता है। अगर ये लोग ऐसे नेतागिरी करके वो जमीन को अगर किसी को देने करते हैं तो अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग दे ना भाई, क्यों अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बड़ा बड़ा जमीन घेर के रखे हैं और सरकारी जमीन को दे रहे हैं हम। इसलिए मेरे को धमकी दिया गया था कुछ नेताओं के द्वारा, उनके खिलाफ मैं FIR करवाने आई थी। पूरा मामला बताएंगे, क्या पूरा मामला है? सब ज्योति नगर में जो वन भूमि क्षेत्र है वहाँ बस कब्जा कर रखा, कोई मुझे सुबह 6 बजे लगभग फ़ोन किया गया था किसी के द्वारा। तो फिर हम लोग मैं अपने चौकीदार को लेकर गई वहाँ और देखी वहाँ जेसीबी के माध्यम से खुदाई चल रहा था। तो मैंने खुदाई मतलब जेसीबी को जेसीबी वाले को ड्राइवर को बोला कि खुदाई बंद करो, कैसे खुदाई कर रहे हो अभी, किसके आदेश से कर रहे हो करके। तो उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, मुझे बोला कि तुम कौन होती हो रखवाने वाली, ऐसा करके वो चला गया और गाड़ी निकाल के। फिर कुछ टाइम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री वो संतोष दीवान हैं और संतोष सिंह और उत्तम दुबे, ऐसे करके 7-8 लोग 10-15 लोग आए वहाँ पास और मुझे मतलब उल्टा तरीके से बोलने लगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप कैसे रोक दी हमारी गाड़ी, इस टाइप का। और फिर बोलने लगे कि तुमको यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, तुम बहुत उचक रही हो, तुमसे जान से मार दिया जाएगा। प्लस ये भी बोला गया कि 10-15 लेडीज़ को मैं खड़े करवा के, संतोष सिंह द्वारा बोला गया कि 10-15 लेडीज़ को मैं खड़े करवा के तुम्हारे खिलाफ़ झूठा गवाही दिलवा दूँगा, तुमको फंसा कर तुमको सस्पेंड करवा दूँगा, इस टाइप का किया गया। तो वो मेरे लिए मतलब मुझे असहनीय लगा और बहुत ज़्यादा अपमानजनक भी लगा। इस कारण से मैं अभी अपने कार्यालय में भी इसका सूचना दी हूँ
कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो भी मैं अपने कर्तव्य में निर्वहन कर रही थी। तो उन्होंने भी वहाँ से एक लेटर निकाला है कि इसके मतलब उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा कि थाना में। तो मेरे को बोला गया कि यहाँ जाके FIR करवाया जाए। तो आपके साथ कोई और आपके स्टाफ के लोग नहीं आए क्या? स्टाफ में सर मेरे साथ चौकीदार था, चौकीदार को लेकर मैं गई थी क्योंकि मेरे डिप्टी रेंजर उस दिन सीमांकन में गए हुए थे। और रेंज ऑफिसर को मैं जब फोन की तो वो कहीं दूसरी मीटिंग में मैं बिजी थे सर। नहीं, इस पूरे मामले में आप अकेले थाने दिख रही, आपके अधिकारी कर्मचारी और यहाँ क्यों नहीं आपके साथ? सर मुझे अभी रेंजर सर बोले कि आना पड़ेगा क्या, तो मैं बोली कि नहीं सर, आप ऑर्डर एक निकाल दिए हैं वही काफ़ी है, तो वो फिर नहीं आए। और मेरे डिप्टी रेंजर जो है यहाँ पर सेवन स्टार जो है वो सामुदायिक दवा का एक चल रहा है, सीमांकन चल रहा है, उसमें गए हुए इस तरह से बीजी। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई हो? मतलब देखिए, अब ये मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा वो ही है कि मैं एक लेडीज कर्मचारी हूँ, ऊपर से एक आदिवासी भी हूँ, प्लस सिंगल मैं अकेली थी वहाँ। फिर मेरे फिर जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो एक लेडीज हैं, तो मुझे मेरे साथ मतलब उनको इस तरीके से बात करना चाहिए था, प्लस मैं वर्दी में थी, अपने ड्यूटी में थी। सर आज महिला आई है वन विभाग की, क्या समस्या लेके आई है आपके पास? कुमारी उर्मूला राज, वन रक्षक है यहाँ की। 13 तारीख को सवेरे संतोष सिंह अपना JCB ले जाकर अवैध रूप से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था, जिसको इनके द्वारा मना की और जिसके साथ वो दुर्व्यवहार किया, जिसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाई है, जिसके खिलाफ कार्रवाई FIR।